हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास ये लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है, जिसका मॉडल हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे पीछे मॉडल नंबर लिखा होता है। इसका मॉडल नंबर जो है वो है लेनोवो आइडिया पैड S145-15API। तो इसमें हमारे पास ये किसी प्रॉब्लम में आया हुआ है, तो हम इसको ओपन करते हैं और इसका प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे जिसमें प्रॉब्लम दिख रहा है वो इस साइड से प्रॉब्लम दिख रहा है कि जब भी हम इसको ओपन करते हैं स्क्रीन को, तो हमारा जो ये बैक साइड का बॉटम है और जो हमारा ये टच पैड है, दोनों ही अलग हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका कोई लैपटॉप है तो उसे जल्दी से जल्दी रिपेयर कराएं, उसको ऐसे ही ना यूज करें। इस कंडीशन में अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो उस केस में आपका मदरबोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है और आपका स्क्रीन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलिए इसको खोलते हैं, और खोलने के बाद बॉडी टूटा है और हिंज में जो प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करते हैं या फिर हिंज रिप्लेस करते हैं। तो इसको स्क्रू मैंने ऑलरेडी खोल लिया है, यहाँ से मैं ब्लेड से इसको ओपन कर लूंगा। यहाँ से ऐसे ब्लेड लगाने से, थोड़ा सा ऊपर करने से नॉर्मली ही ओपन हो जाता है। हल्का हल्का सा हमें ऊपर करना होता है और हमारा ये बैक साइड पूरा बाहर आ चुका है। तो लैपटॉप खोलने के बाद सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है कि जो इसका बैटरी है, बैटरी हमें मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करना होता है। तो हमारा जो ये बैटरी का कनेक्शन है वो हमारा मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो चुका है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस लैपटॉप के अंदर बहुत ज्यादा धूल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी धूल है, और इसका जो फैन है ये मूव तो हो रहा है लेकिन इसका जो धूल है वो पूरा भर गया है। तो अगर आपके लैपटॉप में ऐसा कुछ इशू है तो उन्हें जल्दी से जल्दी रिपेयर कराएं, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपका मदरबोर्ड को पूरा का पूरा शॉर्ट कर देगा। पूरा का पूरा मदरबोर्ड ही रिप्लेस करना पड़ेगा, मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो पाएगा फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो भी। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो हिंजेस वाला प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर हम अभी इस लैपटॉप का जो हमारा हिंजेस है यहाँ से ये टूट गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये थोड़ा सा ऊपर सा हो गया है, तो हमारा ये ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और इसके हिंजेस को रिप्लेस करेंगे और जो बॉडी टूट गई है बॉडी को रिपेयर करेंगे, उसके बाद जो हमारा इसमें इतना सारा धूल मिट्टी है उन सबको क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर से इस लैपटॉप को फिक्स करेंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके और बॉडी को रिपेयर करते हैं जो हमारा टूटा हुआ है। तो हमारा ये स्क्रीन वाला पार्ट अलग से हो चुका है और जिसमें मदरबोर्ड वाला पार्ट होता है वो दोनों अलग हो चुका है। तो हमारा जो ये नक्का होता है वो यहाँ पे जिसमें टूट के इसी में फिक्स हो चुका है, तो हम इसको खोल के जो हमारा बेस वाला पार्ट है जो यहाँ से टूट गया है यहाँ से हम इसको इसमें फिक्स करना पड़ेगा ताकि हमारा स्क्रू ठीक से इसमें फिट हो सके। आज हम आपको बताएंगे कि लैपटॉप के हिंज क्यों टूटते हैं। जब हिंज बहुत ही टाइट हो जाते हैं और जब लैपटॉप खुलने बंद करने में प्रॉब्लम करने लगता है और हम उसको उसी कंडीशन में यूज करते रहते हैं, तब ये हिंज और बॉडी दोनों ही टूट जाते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप के हिंज को टूटने से बचाना चाहते हैं
तो आप उसको इमीडिएटली सर्विस सेंटर पर दिखाएं और हिंज को थोड़ा सा लूज करा लें। अब हम इन टूटे हुए हिंज को रिपेयर करेंगे। हमारे पास लैपटॉप एक्सपर्ट की टीम है जो किसी भी तरह के टूटे हुए हिंज को रिपेयर कर सकती है। हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से लैपटॉप आते हैं जो कि हम रिपेयर करके वापस भेज देते हैं। सूरज कंप्यूटर्स की टीम लैपटॉप के हिंज रिपेयर करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। हम हर तरह के लैपटॉप के हिंज रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग हमारे पास में टच स्क्रीन लैपटॉप के हिंज लेकर आते हैं क्योंकि टच स्क्रीन लैपटॉप के हिंज हर कोई रिपेयर नहीं कर सकता है। ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं क्योंकि अगर आप छोटी सी भी गलती कर देंगे तो आपके लैपटॉप की स्क्रीन के टूटने का खतरा बना रहता है। सूरज कंप्यूटर्स दिल्ली NCR में बहुत ही बड़ा नाम है और हमारे पास में कोरियर से भी लैपटॉप आते हैं जो कि हम रिपेयर करते हैं और उनको वापस कोरियर से भेज देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो किस तरह से इस लैपटॉप के हिंज को रिपेयर कर रहे हैं। हम बहुत ही सावधानी से इस काम को करते हैं और जब ये लैपटॉप आपका बन जाएगा, फिक्स हो जाएगा ये वाला इशू, तो आप देखेंगे कि लैपटॉप बिल्कुल आपको पुराने जैसा, बिल्कुल पहले वाली कंडीशन जैसा दिखने लगेगा। तो हमारे पास में जो एक्सपर्ट की टीम है वो बहुत ही परफेक्शन के साथ इस काम को करती है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो टेक्नीशियन है वो हिंज को रिपेयर कर रहे हैं और जब हम लैपटॉप को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी और ये सब कुछ भी भरा रहता है, तो हम उसको क्लीन भी करते हैं और उसकी सर्विस भी करते हैं। तो ये हम अपने आप से ही करते हैं जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सूरज कंप्यूटर्स पर अगर आप अपने लैपटॉप को रिपेयर करवाएंगे, उसके हिंज और बॉडी को रिपेयर करवाएंगे, तो आपको ये सबसे बढ़िया तरीके का काम आपको दिखेगा क्योंकि हर कोई इस तरह के काम परफेक्शन से नहीं कर सकता है। ये केवल हमारे एक्सपर्ट और सूरज कंप्यूटर्स के द्वारा ही किया जाता है। अभी मैंने इसका हिंज रिप्लेस कर दिया है। हिंज रिप्लेस करने के बाद अब जो हमारा ये टच वाला बॉडी है, जो कीबोर्ड वाला बॉडी है और स्क्रीन वाला बॉडी है, दोनों को एक दूसरे से, इसमें हमारा हिंज ये राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों ही रिप्लेस हुआ है। जो कि हमारा प्रॉब्लम केवल एक ही हिंज में था, लेफ्ट वाले में, बट हमारा जो हिंज आता है वो पैर में ही आता है, तो हमारा दोनों ही हिंज रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो अभी हमारा ये हिंज रिप्लेस हो गया, मैंने पूरा पैक कर दिया है। उसके बाद अब इसका जो ये हमारा कीबोर्ड वाला बॉडी है, इसको हम स्क्रीन के ऊपर रख के इसको फिक्स करेंगे स्क्रू के थ्रू। इसको हम इसको टाइट करेंगे और उसके बाद इस लैपटॉप को पूरी तरह से पैक करेंगे। अभी ये हमारा हिंज इस पे लग चुका है। ये हमारा डिस्प्ले केबल होता है जो कि हमें बहुत ही ध्यान से देख के आगे करना पड़ता है, इसके थ्रू पास करना पड़ता है। अगर इसमें कहीं से भी थोड़ा सा गड़बड़ रह गया तो हमारा जो डिस्प्ले केबल है वो कहीं से भी कटने के चांसेस होते हैं, जिससे प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारा डिस्प्ले आना बंद हो जाएगा या फिर बीच बीच में फ्लिकर करेगा। तो अभी हमारा ये जो केबल है वो ठीक से पास हो चुका है और हम इसको मदरबोर्ड पे यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। हमारा ये ठीक से कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम जो हमारा ये नक्का वाला स्क्रू है, नक्के वाले सारे स्क्रू हम इसमें लगा देंगे। तो ये हमारी स्क्रू है जो कि हम इसको इसमें लगा के फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरी साइड का स्क्रू जो पूरी तरह से परफेक्ट फिक्स हो चुका है। दोनों साइड में इसमें हमारे दो दो स्क्रू लगते हैं। उसके अलावा एक स्क्रू लगाने का जगह पार्ट और दिया गया है कि यहाँ पे हम एक स्क्रू और लगा सकते हैं इस साइड भी और हमारा इस साइड भी, बट हमें यहाँ पे स्क्रू नहीं लगाना होता है। यहाँ पे हमारा क्रॉस का ये सिंबल बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है ताकि ये सिंबल इसलिए है कि हम यहाँ पे स्क्रू ना लगाए। यहाँ पे स्क्रू हमारा जब ये बैक साइड का हमारा पैनल लगता है, बैक साइड का हमारा जो बॉटम होता है ये वाला, ये बॉटम लगने के बाद ये स्क्रू जाके यहाँ पे टाइट होता है। यहाँ से स्क्रू निकल के ये यहाँ पे जाके इसमें टाइट होता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे स्क्रू नहीं लगाना होता। स्क्रू हमारा यहाँ ऊपर से लगता है। ये भिजवा देना सामान इसके यहाँ। तो एक बार अभी हम इनसे इन सबको टाइट देख लेंगे कि हमारा ठीक से टाइट हुआ है या नहीं हुआ है सारे स्क्रू। उसके बाद अब हमारा जो ये फैन है, हम फैन को कनेक्ट करते हैं। ये हम यहाँ पे फैन को रख दिया मैंने,
ये ठीक से हमारा फैन बैठ गया है। अब इसको वायर जो है ये मैं मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देता हूँ। यह मेरा मदरबोर्ड से फैन कनेक्ट हो चुका है। अब इसको मूव करके भी देख लेते हैं एक बार कि हमारा ठीक से मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारा ठीक से मूव हो रहा है। ये हम इसको स्क्रू यहाँ पे लगा देते हैं। तो फैन में हमारा तीन स्क्रू होते हैं, 1, 2, 3। ये मैंने 3 स्क्रू लगा दिए हैं। अब उसके बाद ये हमारा जो 2 वायर ये दिख रही है, ये हमारा वाईफाई की वायर है। इनको कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और अगर हम इनको कनेक्ट नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हमारे लैपटॉप में यह आता है कि हमारा जो वाईफाई का सिग्नल है वो बहुत ही कम आता है या फिर आता ही नहीं है। तो अगर हम इनको कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे लैपटॉप में वाईफाई का जो सिग्नल है वो बहुत ही कम आएगा। तो इसलिए हमें ये कनेक्ट करना जरूरी है। तो अभी पहले हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा बैटरी का कनेक्शन है जो कि नॉर्मली अटैच हो जाता है। तो ये हमारा बैटरी इसमें कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम इसका जो ये बेस होता है, बॉटम बेस, इसे कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद इस पर फिक्स हो जाएगा ये, और फिर सारे स्क्रू हम इसमें टाइट कर देंगे। तो ये हमारा पूरी तरह से अच्छी तरह से बैठ चुका है, कहीं से भी कहीं कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, अच्छी तरह से बैठ चुका है। अब हम इसमें सारे स्क्रू जो भी हमारे हैं ये सारे हम लगा देंगे। तो अभी ये हमारा लैपटॉप पूरा पैक हो गया, और उसके बाद मैंने ऑन कर दिया है। अब उसके बाद मैं अगर इसको यहाँ से मूव करके देखूँ तो यहाँ से हमारा कोई भी यहाँ से मूवमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छे से फिक्स हो गया है। मैं इसको कितना भी मूव कर दूं बट यहाँ से हमारा कुछ भी बाहर नहीं होगा, कुछ भी अप एंड डाउन नहीं होगा। जो जैसे फिक्स हो गया वैसे ही फिक्स रहेगा। और आप इधर का भी देख सकते हैं, जैसा कि मैं अगर दूसरी साइड का भी करूं तो इधर का भी कुछ भी मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा। इनको यूज करने का सही तरीका ये होता है कि अगर हम इस साइड से यूज करेंगे तो इधर कहीं जल्दी से टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, ज्यादा टाइट हो जाएगा। इधर से यूज करेंगे तो इधर का ज्यादा हो जाएगा, इधर पे प्रेशर पड़ेगी। तो इसे अगर हम मिडिल से यूज करते हैं, मिडिल से यूज करने पे हमारा ये प्रेशर जो है दोनों हिंजेस पे सेम पड़ता है, जिसकी वजह से तभी ये सही चलता है। नहीं तो अगर हम इधर से करेंगे तो इधर का जल्दी से टूटेगा, इधर का अगर करेंगे तो इधर से टूटेगा। मिडिल से यूज करने पर बिल्कुल परफेक्ट चलेगा और ज्यादा टाइम तक चलेगा। तो अगर आपके भी लैपटॉप में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं।